हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रिपरेशन अड्डा में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस क्विज पार्ट 4। दोस्तों, तीन साइंस के क्विज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो सॉल्व नहीं किए हों तो आप पहले उनको सॉल्व कर लीजिए, उसमें भी अच्छे क्वेश्चन हैं और इसके अंदर भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। लेकिन ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछे आए हैं, इसलिए इनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ से। सोडा वाटर के अंदर क्या होता है? कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस एसिड। इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कार्बोनिक एसिड होगा, लेकिन ये इसका सही जवाब नहीं है। इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, CO2 को ही वाटर के अंदर ऐड किया जाता है बहुत हाई प्रेशर पर सोडा वाटर बनाने के लिए। अगर क्वेश्चन आएगा सोडा वाटर के अंदर क्या होता है, जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, जैसे ही सोडा वाटर की अगर बोतल आप ऑन करोगे, उसके जब आप बोतल को खोलोगे दोस्तों, उसके अंदर बहुत तेजी के साथ बबल्स के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसका मतलब ये हुआ, जब इसको फिल कर रहे थे लिक्विड के अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ही ज्यादा प्रेशर पर उसके अंदर फिलअप किया था। ज्यादा हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड के साथ मिल जाती है, मतलब सोल्यूबल हो जाती है। और जैसे ही प्रेशर कम होता है कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, क्योंकि ये एक गैस है। अगला क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर ऑफ एल्यूमिनियम। आपको पता ही होगा एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा किस में से निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बॉक्साइड। बॉक्साइड का सूत्र होता है Al2O3.NH2O। दोस्तों, इसके अंदर N कितने भी हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4। एल्यूमिनियम के साथ वाटर लगा हुआ जरूर होता है दोस्तों, तभी ये एल्यूमिनियम का ओर है जिसका नाम है बॉक्साइड। अगर Al2O3 को सिंगल छोड़ दोगे तो ये एल्यूमिना कहलाएगा, Al2O3। अगर Al2O3.NH2O बोलोगे, NH2O, देन ये बॉक्साइड कहलाएगा, जो कि एल्यूमिनियम का सबसे बेहतर अयस्क है। इसी ओर के अंदर से एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा मात्रा में एक्सट्रैक्ट किया जाता है। दोस्तों, ये एक रॉक है, ये एक चट्टान है, ना कि कोई मिनरल, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज टू बी डिस्कवर्ड फर्स्ट इन द क्रोमोस्फीयर ऑफ सन। दोस्तों, जैसे आपको पता होगा सन के ऊपर मेनली दो लेयर्स होती हैं, 1 और 2। नीचे वाली लेयर फोटोस्फीयर कहलाता है, इसके ऊपर जो लेयर होती है इसको ही क्रोमोस्फीयर बोलते हैं। और क्वेश्चन ये है, क्रोमोस्फीयर में कौन सी गैस या पहला कौन सी गैस डिस्कवर्ड की गई थी? इसका जवाब है हीलियम। हीलियम क्रोमोस्फीयर में पाई गई थी। दोस्तों, हीलियम, नियोन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, ये सभी ही इनर्ट गैस हैं, और पीरियोडिक टेबल के जीरो ग्रुप के अंदर इन सबको फाइंड आउट कर सकते हैं आप। हीलियम सबसे हल्की इनर्ट गैस है। अगला क्वेश्चन, सोडियम मेटल को किस चीज के अंदर रखा जाता है? दोस्तों, सोडियम जो कि एल्कली मेटल है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है, और ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव एलिमेंट होते हैं दोस्तों। अगर इनको आप एयर में फ्रीली छोड़ दोगे तो एयर के साथ मॉइस्चर के साथ मिल जाते हैं और बर्न हो जाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं अगर सोडियम है तो, वरना मेटल हाइड्रोक्साइड तो बनाते ही हैं। इसलिए दोस्तों, सोडियम को उस चीज में रखा जाता है जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ना हो, बहुत कम मात्रा हो, या बल्कि हो ही ना। ऐसा केरोसिन के अंदर होता है। केरोसिन के अंदर इसलिए सोडियम को रखते हैं क्योंकि केरोसिन के साथ ये रिएक्शन नहीं करता। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इनग्रीडियंट्स ऑफ द गन मेटल। गन मेटल आपको पता होगा, ये एलॉय है कॉपर और टिन का। कॉपर और टिन को मिलाकर गन मेटल बनाया जाता है। गन मेटल,
अगला क्वेश्चन, कौन से मिनरल से आप में कौन से मिनरल से रेडियम प्राप्त की जाती है? ऐसा कौन सा मिनरल है जिससे रेडियम प्राप्त की जाती है? इसका सही जवाब है पिच ब्लेंडे। दोस्तों पिच ब्लेंडे से रेडियम प्राप्त की जाती है। सबसे पहले रेडियम की खोज मैरी क्यूरी ने की थी, उनके पति प्यूर क्यूरी और मैरी क्यूरी ने इसकी खोज की थी, और मैरी क्यूरी को रेडियम की खोज करने के एवज इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ये बात ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द लाफिंग गैस? क्वेश्चन इजी है लेकिन आपको रिवाइज करने जरूरी है। लाफिंग गैस कौन सी है, किसको लाफिंग गैस कहते हैं? इसका सही जवाब है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को ही लाफिंग गैस कहते हैं, इसका सूत्र होता है N2O नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, एक्टिनाइड्स आर द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर फ्रॉम। एक्टिनाइड कौन से होते हैं? दोस्तों मैं आपको बता दूं, पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर एस ब्लॉक चलता है, उसके बाद पी ब्लॉक, देन डी, देन एफ, ये सब ब्लॉक पीरियोडिक टेबल के अंदर चलते हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट को मिलाकर मेन ग्रुप एलिमेंट कहा जाता है। अगर आप एस ब्लॉक के एलिमेंट को कहोगे तो ये है एल्कली मेटल्स। इसमें दो हैं, फर्स्ट ए है एंड सेकंड ए। फर्स्ट ए को एल्कली मेटल्स, सेकंड ए को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। पी ब्लॉक, इनको पी ब्लॉक ज्यादातर नॉन मेटल्स होती हैं, एंड डी ब्लॉक इसके अंदर मेटल्स पाई जाती हैं। एफ ब्लॉक के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट ज्यादा पाए जाते हैं और ये भारी एलिमेंट होते हैं। एफ ब्लॉक के अंदर दो सीरीज होती है, एक्टिनाइड लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। लेंथेनाइड सीरीज एटॉमिक नंबर 57 से 71 तक के एलिमेंटों को कहा जाता है, जबकि लेंथेनाइड सीरीज 57 से 31 एंड एक्टिनाइड सीरीज 89 से 103। मैं आपको लिख के दिखा देता हूं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। लेंथेनाइड का मैंने आपको बताया 57 से 71। एक्टिनाइड्स इसका भी आपको बता चुका हूं 89 से 103 तक। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा भारी एलिमेंट होते हैं और नेचुरल वे में इनको प्राप्त नहीं किया जा सकता, बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये। इनका लगातार डिकम्पोजिशन हो जाता है और ये स्टेबल फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन फ्री नेचुरल अवस्था में नहीं पाए जाते ये, और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है सारे के सारे। अगला क्वेश्चन, दो एलिमेंट जो कि लगातार ट्रांजिस्टर बनाने में यूज होते हैं, आपको पता होगा ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने पढ़ा होगा ट्रांजिस्टर, ये ज्यादातर सिलिकॉन के बनाए जाते हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के। अगर दो एलिमेंट के बारे में पूछा तो सिलिकॉन और जर्मेनियम बताना होगा आपको, वरना ज्यादातर चिप्स, जितनी भी मोबाइल के अंदर चिप्स होती हैं, मोबाइल्स लैपटॉप्स इन सब के अंदर चिपों के अंदर ट्रांजिस्टर चिप जो बनाई जाती हैं वो सिलिकॉन की बनाई जाती हैं, एंड ट्रांजिस्टर भी सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है फिलामेंट जो कि इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर होता है, किस मटेरियल का बना हुआ होता है? इसका सही जवाब है टंगस्टन। टंगस्टन इसका सही जवाब है। आपको पता होगा आयरन आयरन का नहीं होता है, क्योंकि आयरन का बॉइलिंग पॉइंट इतना नहीं होता है जितना टंगस्टन का होता है। नाइक्रोम जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है और ये हीटर के अंदर लगाया जाता है। ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एक एलोट्रोप है और कंडक्टिंग नेचर शो करता है, बाकी कार्बन का कोई सा एलोट्रोप थर्मो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग नहीं है ग्रेफाइट को छोड़कर। दोस्तों ये थे आज के 6 क्वेश्चन साइंस क्विज पे। अगर आपने ये सॉल्व किए हैं तो बेहतर है, अगर आपने सॉल्व नहीं किए हैं तो आप प्लीज वीडियो देखते वक्त पहले पॉज करें, खुद से सॉल्व करें, अगर सॉल्व नहीं होता है तब आंसर देखें। थैंक यू सो मच।